सारा घर पड़ा हुआ है, अभी काम करने के पड़े हुए इतने सारे, ईद आ जाती है काम रह जाते हैं यार, व्हाट टू डू। हाय गाइस, आज चांद रात है तो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या होता है हमारा लेडीज़ का, हम पार्लर जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ फेशियल कराने। वैसे आपको लग रहा है मुझे ज़रूरत है वैसे मुझे ज़रूरत, तो फेशियल कराऊंगी, मैनी पैडी कराऊंगी और फिर आके फिर मैं क्या करूंगी, आके मैं खाना पकाऊंगी। गॉड, ईद वाले दिन खाना भी पकाना पड़ता है मुझे, सैड लाइफ। मुझे ये लड़की को मेहंदी नहीं लगवानी जबकि ईद पे सब मेहंदी लगवाते हैं। नहीं मैं जबरदस्ती मेहंदी लगवाऊंगी, नहीं मुझे मेहंदी लगवानी नहीं है, मेहंदी लगानी चाहिए। मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, मुझे नहीं पसंद मेहंदी, बिल्कुल नहीं। मेहंदी लगेगी अनीशा की इस बार? नहीं लगाऊंगी, नहीं लगेगी, नहीं। कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए अभी, कपड़े भी इस्त्री करने हैं और सुबह नमाज के लिए जाना है। ईद से चार दिन पहले मैंने कपड़े धो लिए और वो फोल्ड भी नहीं हुए हैं, और मतलब कैन यू अंडरस्टैंड मैं कितनी ज़्यादा इस वक्त परेशान हुई हूँ। या तो तुम बाल कटवाने चले जाओ, चांद रात है, बाल कटवा के आ जाओ, या फिर मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी, ईद आ गई मेरा यार। पहले अपने स्टाइल मार। चांद रात वाला माहौल है, ये मेहंदी लग रही है इनको, ये चांद रात वाला माहौल और मेहंदी। Siempre hay que descubrir la manera de vivir este lugar. Okay guys, so as you know आज चांद रात है और हम मेहंदी जो है वो पाकिस्तान का कल्चर है और पता नहीं क्यों है, खैर लेकिन सब लगवाते हैं तो हम भी लगवा रहे हैं इस बार। अच्छा मैंने ना आज बहुत स्पेशल मेहंदी लगवानी है, मुझे ना बकरा बनवाना है हाथ पे, सो जस्ट कीप वॉचिंग द व्लॉग अंटिल द एंड और प्लीज़ जस्ट हिट द लाइक बटन वेन एवर यू सी दिस। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू। ओके सो मेहंदी की इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि लड़कियाँ जो है ना सब अपने उनके नाम, उन लवर्स के नाम और फियांस सेज जो होते हैं, मंगेतर जो होते हैं, उनके नाम लिखवाती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा तो कोई है नहीं और मैं किसका नाम लिखवाऊँ सोच रही हूँ। आई हैव अ क्रश ऑन वन सेलिब्रिटी, सो हो सकता है मैं उनका नाम लिखवा लूँ इसको। अनीशा की मेहंदी लग गई है ना चाहते हुए भी, मैंने कहा था ना मैं लगवाऊंगी, मैंने बोला था ना मैं लगवाऊंगी इसको। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे अपने लाइफ डिसीजंस पे डाउट। इतना हिलाओ मत, हिला ही नहीं, हिल रहा है ना। आई हैव बोले भी अच्छा ऑन है। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने जैसा बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट बात एक ये भी होती है मेहंदी लगवाने की,
इसमें हम अपने स्वीट हार्ट का नाम लिखवाते हैं. स्वीट हार्ट यानी कि आपका वो, आपके वो, LOVER. यो, तो स्वीट हार्ट का नाम मैं भी लिखवाऊंगी इसमें, कि वैसे तो कोई है नहीं मेरे स्वीट हार्ट लाइफ में अनफॉर्चुनेट. Final look of one hand. How is this? ऐसा लग रहा है लानत दे रही हूँ. सही तरह सही रहा, सही दिखा. और पीछे और पीछे इतने डिस्टेंस से दिखा. अनीशा लानत देते हुए नहीं, ऐसी बात ही नहीं बोलते. यूँ होना चाहिए. स्पेशल वाली मेहंदी लगने लगी है और वो है जी ये पकड़ा. अभी जैसे ही कंप्लीट होता है मैं दिखाती हूँ. रात के 2 बज चुके, मुझे नींद आ रही है. अब इसके पाँव बनेंगे. वाओ, माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस. शाजमा, अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना इस बात पे कि सोनिया चाची ने ऐसे एक बकरा बनवाया था एंड शी वाज सो हैप्पी, तुम कहना ही मैंने ऐसे ही उनको खुद ही बना दिया था. मतलब वो नहीं बनवाना चाह रही. मैं समझ गई आप क्या चाह रही हो. तुमने यही बोलना है कि सोनिया चाची तो नहीं बनवाना चाह रही थी, मैंने ऐसे यू नो एंजॉयमेंट में बना दिया उनका बकरा. ओके okay? ठीक है, आप मैं किसी को नहीं बताऊंगी. इसका फेस प्यारा सा बना. प्यार, ओह माय गॉड, इसके दुमले बनेंगे कैसे? नहीं, दुमले बनेंगे. तुम साइड से बना सकती हो दुम, लेकिन छोटी सी इस नहीं उस साइड उस साइड बनेगी ना. ये समझ नहीं पा रही. ओह माय गॉड गाइस, लुक एट दिस, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी फॉर दिस वन. ओके गाइस, सो हैप्पी चांद रात टू एवरीवन. सबको चांद रात बहुत मुबारक, ईद उल अज़हा की चांद रात. और देख लें मेरी मेहंदी लग चुकी है और अब हम आपको मिलेंगे ईद पर इंशाल्लाह. ईद का व्लॉग बनाएंगे और ये देखें, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस वन. ओके जी, दिस वाज द एंड ऑफ द व्लॉग. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.